Assalamualaikum, मुझे कहते हैं फातिमा और इस वक्त आप देख रहे हैं zameen.com का YouTube चैनल। So welcome to you all। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल हिल्स की मेन एंट्रेंस पे जो कि वाकई है टेक्सला में, और ये है मेन GT रोड एंट्रेंस। इस वक्त जहाँ इसके नियर बाय एरियाज की बात करें तो आपको बताते चले कि यहाँ से क्या क्या करीब है। हमारी आज की प्रॉपर्टी मार्गला बिजनेस सेंटर से ग्रैंड ट्रंक रोड जाने के लिए आपको 2 मिनट की ड्राइव चाहिए। मार्गला रोड यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। संजानी टोल प्लाजा जाने के लिए आपको 6 मिनट की ड्राइव चाहिए। मल्टी गार्डन्स B17 इस्लामाबाद यहाँ से 6 मिनट के डिस्टेंस पर मौजूद है। टेक्सला जाने के लिए आपको 10 मिनट की ड्राइव चाहिए। F10 मरकज़ इस्लामाबाद यहाँ से 20 मिनट के डिस्टेंस पर है, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए आपको इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं फैसल हिल्स की मेन एंट्रेंस पर हम मौजूद हैं, और आज हम आपको टूर कराएंगे मार्गला बिजनेस सेंटर का। मार्गला बिजनेस सेंटर इज अ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट ऑफ अर्बन प्रॉपर्टीज, फाहद बिल्डर्स, अल हुसैन ट्रेडर्स और इसी के साथ साथ लैंड प्रोफेशनल्स। तो जनाब ये जॉइंट वेंचर है, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि मार्गला बिजनेस सेंटर आपको क्या सर्विसेज और अमेनिटीज ऑफर कर रहा है। राइट बिसाइड में आप देख सकते हैं कि 44 मरला का मार्गला बिजनेस सेंटर का प्लॉट मौजूद है। इस प्लॉट को दोनों तरफ से ओपनिंग लगती है। इसकी फ्रंट की अगर बात की जाए तो ये प्लॉट मौजूद है मेन बॉलीवुड पर, जो कि 225 फीट वाइड है। इसी तरह अगर हम इसकी बैक साइड की बात करेंगे तो आपको 100 फीट वाइड रोड मिलेगी। साथ ही साथ इस प्लॉट के दोनों साइड के ओपन होने की वजह से आपको यहाँ पर कुशादा पार्किंग मिलेगी। मार्गला बिजनेस सेंटर का ये प्लॉट आपको ऑफर करता है दुकानें, अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट, साथ ही साथ आपके ऑफिसेज के लिए भी यहाँ पे स्पेसेस मौजूद हैं। सो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि मज़ीद ये आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। मार्गला बिजनेस सेंटर के इस प्लॉट पे 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनेगी, जिनमें आपको मिलेंगे शॉप्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज और साथ ही साथ रूफटॉप पर रेस्टोरेंट्स भी मौजूद होंगे। मज़ीद बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितनी शॉप्स और कितने अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद है ये मार्गला बिजनेस सेंटर का डिज़ाइन। इस पर आप देख सकते हैं कि ये अपने एक्सटीरियर के लिहाज से भी बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ है। बात करेंगे कुछ लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के हवाले से। इन तीनों फ्लोर्स पर आपको मिलेंगे 85 शॉप्स, जो कि वेरियस साइजेस और मल्टीपल डिज़ाइंस की होंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कोई भी शॉप बुक करनी मार्गला बिजनेस सेंटर में, तो आप अभी बुक कर सकते हैं, क्योंकि 11 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो कि बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, और वेरियस प्राइजेस और वेरियस डिज़ाइंस के साथ आप ये शॉप्स अभी बुक कर सकते हैं। मार्गला बिजनेस सेंटर अपने 4th और 5th फ्लोर पे आपको ऑफर कर रहा है वाइड वैरायटी ऑफ अपार्टमेंट्स, जो कि वेरियस साइजेस और वेरियस डिजाइंस में अवेलेबल हैं। जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया कि ये डुअल साइडेड ओपन बिल्डिंग होगी, तो यहाँ रोशनी तो बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ यहाँ के मकीनों के लिए फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड और मस्जिद भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी रेजिडेंस के पॉइंट पे अगर इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों तो इट्स बेस्ट टू बाय। अस्सलाम वालेकुम जी, असद क्यानी, सी अर्बन प्रॉपर्टीज़। फैसल हिल के बारे में पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करने जा रहे हैं। फैसल हिल की लोकेशन के बारे में फ़र्स्ट बात करूँगा कि इसकी लोकेशन जो है वो आपका मेन GT रोड के ऊपर है, टूवर्ड्स आपका मोटरवे पे भी इसकी एक्सेस है। अगर हम इसकी बात करें GT रोड से, आपका जो मार्गला रोड नया बनने जा रहा है उससे 5 मिनट की ड्राइव पर आप टूवर्ड्स इस्लामाबाद की तरफ ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं मार्गला बिजनेस सेंटर के हवाले से, ये जो जिस लोकेशन पे है जी, आने वाले टाइम पे जो फ्यूचर एक्सेस फैसल हिल की जो कंप्लीट प्रोजेक्ट की जो एक्सेस है, 225 फुट की रोड जो बनने जा रही है उस पे लोकेटेड है। 7 नंबर प्लॉट है, साइज ये है 95x105, 2 कनाल का प्रोजेक्ट है ये। इसमें हम जो ऑफर कर रहे हैं इनिशियल इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो है 3 फ्लोर पर शॉप्स हैं, 2 फ्लोर पर ऑफिस हैं और 2 फ्लोर पर अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। इसमें डिफरेंट साइजेज हैं, मॉल की 2 लिफ्ट हम लोगों ने इसमें दी हुई हैं। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबी ये है कि दोनों साइड से फ्रंट बैक ओपन है। मेन के ऊपर आपकी 225 फुट का बुलेवार्ड रोड जा रहा है और विद पार्किंग, इसमें 100 फीट की पार्किंग है। फिर बैक पे 100 फीट की रोड है और साथ में 100 फीट की पार्किंग दी गई हुई है, और ये ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज पे मुश्तमिल है। लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर हम शॉप ऑफर कर रहे हैं, सेकेंड फ्लोर पर हम कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफर कर रहे हैं, और 2 बेड और 1 बेड ऑफिस अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं, जो 3rd और 4th फ्लोर पर हम लोगों ने 1 बेड और 2 बेड के साइज इन पर ऑफर कर रहे हैं।
इस लोकेशन की बात कर लें, ये आने वाले टाइम पे आपका जो फ्यूचर फोरकास्टिंग की बात करें कि पूरे फैसल हिल की ट्रैफिक ABC ब्लॉक की जो है ना इसी रोड पे अप्रोच रोड से यानी कि एक्सेस इन और आउट की है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग 3 ब्रांड्स को ऑलरेडी जगह दे चुके हैं, जिसमें सबवे है, नैंडोज़ है, चायखाना है। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर हम लोग दिसंबर में जब हम इसको डिलीवर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारे इस प्रोजेक्ट में ये 3 ब्रांड ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। इसके अलावा हमारी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ और ब्रांड्स के साथ बातचीत चल रही है, जिनको हम लोग अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेस और शॉप्स ऑफर कर रहे हैं। हम अपने इसका पेमेंट प्लान जो है 2.5 या 2.5 साल का है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर दिसंबर में हम इस चीज़ को हर तरह के छोटी देते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, कि हम लोग अपने टाइम से पहले डिलीवर करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इंजीनियर मोहम्मद फयाज, डायरेक्टर अर्बन प्रॉपर्टीज़, और ये मेरे साथ 2 पार्टनर हैं, मुख्तियार साहब और मोहम्मद जायद साहब। हम लोगों ने फैसल हिल में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है MBC के नाम से, जो कि है मार्गला बिज़नेस सेंटर। मार्गला बिज़नेस सेंटर जो है वन ऑफ द आइडियल लोकेशन है, फैसल हिल पे मेन बुलेवार्ड रोड पे है, ब्लॉक ए में। उसकी जो 2 साइड पे ओपनिंग है, फर्स्ट साइड पे है इसकी 225 फुट रोड है, बैक साइड पे इसकी जो है ना 100 फुट रोड है, और इसके साथ इसकी पार्किंग भी है। इसके अलावा इसमें प्रोजेक्ट में हमारे पास स्पेशलिटी ये है कि ये मोटरवे से 5 किलोमीटर के फासले पर एक गेट है फैसल हिल का, और 5 किलोमीटर के फासले पर दूसरा गेट है। सारी ट्रैफिक जो है हमारे प्रोजेक्ट के बेस पे होगी, जो कि वन ऑफ द आइडियल लोकेशन है प्रोजेक्ट के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 3 टाइप के सर्विसेज हमने दिए, जिसमें हमारे पास जो है ना शॉप्स है, अपॉर्चुनिटी जो हम ऑफर कर रहे हैं इसमें शॉप्स है, इसमें ऑफिसेज है, और इसमें हमारे पास अपार्टमेंट्स है। लोअर ग्राउंड में, ग्राउंड में और फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास शॉप्स है, जो कि सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में हमारे पास ऑफिसेज है, और फोर्थ फिफ्थ फ्लोर में हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट है, सिंगल बेड अपार्टमेंट है और 2 बेड अपार्टमेंट है। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट के जो एडवांटेजेस है, जो फैसिलिटीज़ हम कस्टमर को दे रहे हैं, उसमें एक है इसमें 2 तो इसमें लिफ्ट अवेलेबल है, बैकअप जनरेटर है, CCTV कैमरा है, इसके जो है ना वाइट स्टेयर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और वाइड जो है ना वो वॉकवे है इसमें फ्लैट्स के जो है ना बीच में। इसके अलावा नेचुरल जो लाइट है वो हम लोगों ने जो है ना मैक्सिमम यूज़ किया हुआ है, तो आप लोगों को एक हवादार और नेचुरल इफ़ेक्ट आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट की एक फ़ीचर ये है कि इसके साथ जो है ना प्लेग्राउंड जो वॉक ग्राउंड है 200 मीटर पे वो अवेलेबल है, आपके साथ मस्जिद अवेलेबल है, और भी जो है ना शॉप्स जो हमारे अलावा जो इस बिल्डिंग में आपके पास नहीं है तो आपके साथ वेरी इजी और एक्सेस पे आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। मार्गला बिज़नेस सेंटर आपको ऑफ़र करता है हर किस्म की फैसिलिटी। यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए हर किस्म की फैसिलिटी होगी, जैसा कि 24 घंटे CCTV सर्वेलेंस भी मौजूद रहेगी, यहाँ पे 2 पैसेंजर्स लिफ्ट भी होंगी प्लाजा के अंदर मौजूद, और साथ ही साथ अगर हम रूफटॉप की बात की जाए तो इंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखा गया है। जनाब, रूफटॉप पे आपको मिलेंगे रेस्टोरेंट्स, तो ये एक कम्प्लीट बिज़नेस पैकेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे अपने लिए रेजिडेंस बुक करते हैं तो साथ ही आपको अपना ऑफिस भी मिल सकता है, तो एक ही छत तले आपको तमाम एक्टिविटीज़ के लिए जगह मिलेगी। अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आपको छत पर एक बेहतरीन व्यू के साथ रेस्टोरेंट भी मिलेगा। मार्गला बिजनेस सेंटर के अतराफ पे नजर डाली जाए तो पहाड़ों के दामन में होने के बायस आप देख सकते हैं कि इट हैज अ सीनिक व्यू। साथ ही साथ यहाँ पे मकीनों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत फुटबॉल ग्राउंड भी तामीर किया गया है, और क्रिकेट का शौक तो मुल्क भर में रखते हैं लोग, इसलिए उसी शौक को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत यूनिक और इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना जामिया मस्जिद भी मौजूद है, जिसे कहते हैं फातिमतुज़ज़हरा मॉस्क।
फैसल हिल्स आपको कनेक्ट करता है न्यू सिटी, फैसल मागला सिटी और B17 से। यानी कि अगर आप विद इन सोसाइटी ट्रैवल करना चाहते हैं और एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के अंदर मूव करना चाहते हैं तो आप बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं। ये सारी सोसाइटीज़ इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि B17 के ब्लॉक G से फैसल हिल्स से भी कनेक्ट करता है। यानी कि फैसल हिल्स और B17 से आपको ये कम्बाइंड रास्ता मिलेगा जो आपको डायरेक्टली मोटरवे इंटरचेंज से कनेक्ट करेगा। मेरा नाम उमर वहाब है, मैं मागला बिजनेस सेंटर का CEO हूँ। हम मागला बिजनेस सेंटर फैसल हिल्स ए ब्लॉक में बना रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हम प्रोजेक्ट फैसल हिल्स में क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली वजह यह है कि यहाँ लोकल कम्युनिटी में जहाँ पे ये सोसाइटी बनी है फैसल हिल में, यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी क्रशर प्लांट्स की, जहाँ पे 10,000 वर्कर्स एट अ टाइम एक शिफ्ट में काम करते थे। मतलब 30,000 खानदानों का जरिया माश यहाँ पे था, जो कि एक साल से बंद है। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा शिकायतें टेक्सला में, मैं टेक्सला से हूँ, एक अरसे से टेक्सला में रह रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि वो इस इंडस्ट्री बंद होने की वजह से अनएम्प्लॉय हो गए। बेसिक रीज़न हमारी फैसल हिल्स में आने की लोकेशन तो है ही, लेकिन उससे जो मेरे नज़दीक ज़्यादा मेजर रीज़न है वो ये लोकेलिटी है जो अनएम्प्लॉय हो गई है सारी, जिनका ज़रिया माश छीना गया है। अब हम आते हैं अपने मागला बिजनेस सेंटर पर। मागला बिजनेस सेंटर जो कि 7th फ्लोर पर मुश्तमिल है, उसके लोअर 3 जो फ्लोर्स हैं वो कमर्शियल हैं, उसके ऊपर ऑफिसेज़ हैं, उसके ऊपर रेजिडेंशियल हैं 2 फ्लोर्स। ज़्यादा ये कमर्शियल ऑफिसेज़ इसलिए रखें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। हम कमर्शियल में 15 ब्रांड्स के साथ साइन कर चुके हैं, जो कि हम रिवील करेंगे अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में, जिनमें ज़्यादातर फूड के ब्रांड्स हैं। और उसके अलावा ऊपर जो हमारे ऑफिसेज़ हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेज लाएंगे, मल्टीनेशनल की कोशिश करेंगे ऑफिसेज आएँ, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोकल एरिया में दें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, हम मागला बिजनेस सेंटर में कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ऑफिसेज तीनों चीज़ें ऑफर करना चाह रहे हैं, ताकि तीनों चीज़ें एक ही शेड के नीचे हर इंसान को मैसर हों। और ये लोकल कम्यूनिटी के लिए और ओवरसीज़ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम इसको 3 साल का कमिटमेंट, 3 साल की कर रहे हैं डिलीवरेंस की, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे 2 साल में, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा होगी। थैंक यू सो मच। इस वक्त आप देख सकते हैं कि फैसल हिल्स को 2 एंट्रीज और 2 एग्जिट लगते हैं, यानी कि गेट एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से भी टच होता है। और अगर हम दूसरे गेट की बात करें जो कि आपको ए ब्लॉक से डायरेक्टली हिट करता है, तो इस ब्लॉक में आपको मिलेगा तमाम तर कमर्शियल जोन। यानी कि अगर आप ए ब्लॉक से एंटर होंगे, इस गेट को आप फॉलो करेंगे, तो आप तमाम तर फैसल हिल्स के कमर्शियल जोन को अपने सामने पाएंगे, और जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है वो यहाँ पर मेजरली हो रही है। आप देख सकते हैं मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी। हमारी आज की प्रॉपर्टी मागला बिजनेस सेंटर से यहां तक आने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव रिक्वायर है। जैसा कि हमने देखा कि फैसल हिल्स मौजूद है मेन GT रोड पे, और ये आपको कनेक्ट करेगा मागला एवेन्यू से। यहां से तकरीबन 10 किलोमीटर की ड्राइव पर आपको मिलेगा D12। आज हमने प्रॉपर्टी टूर किया है मागला बिजनेस सेंटर का। मागला बिजनेस सेंटर आपको ऑफर करता है शॉप्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज और साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स के लिए भी यहाँ पे स्पेस मौजूद है। मज़ीद इस प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी है, तो आप zameen.com की वेबसाइट पर जाके न्यू प्रोजेक्ट्स के टैब में टाइप करेंगे मागला बिजनेस सेंटर और सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमें फॉलो कर सकते हैं मज़ीद सोशल मीडिया हैंडल पर। हमारा YouTube पेज ज़रूर लाइक कीजिए। आज की वीडियो से लेंगे इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।